सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत। ऐसा जो है प्रोपगंडा कर रहे हैं, ऐसा जो है पब्लिक को दिखा रहे हैं कि भाई इस्लाम जो है जिहाद का नाम है, इस्लाम जिहाद का नाम है। अगर इस्लाम जिहाद का नाम होता तो हिंदुस्तान जो है इस तरह नहीं होता। आज हिंदुस्तान में जो अमन है ये अमन नहीं रहता। हमारा इस्लाम जो है अमन का मजहब है और शांति वाला मजहब है और हर आदमी को जो है उसका हक देने वाला मजहब है। जो इस्लाम अपने घर में जो है रहने वाली अपनी बीवी को ऐसा मार मारने से मना करता हो जो कि बीवी के बदन के ऊपर निशान आ जाए, वो इस्लाम दूसरों को नाहक मारने का क्यों हुक्म देगा? जिहाद उसके लवाजमात और उसके जो है शरायत वो अलग हैं, जिहाद वो अलग चीज़ है और उसके लिए कुछ शरायत हैं, वो शरायत अगर पाए जाए तब जिहाद है। मक्की जिंदगी को उठाकर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी, मक्की जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो हमें समझ में बात आएगी। आजकल जो है गैर मुस्लिमों के बातों में बहुत सारे मुसलमान भी फंस रहे हैं, बहुत सारे मुसलमानों को जो है इसमें तरद्दुद हो रहा है, बहुत सारे मुसलमान शक में मुब्तिला हैं कि वाकईतन इस्लाम जो है जिहाद का नाम है। बहुत सारे लोग इस तरह समझते हैं। मक्की जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो हमें इस बात समझ में आएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अकदस में सहाबा शिकायत लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ये लोग हमें बहुत सता रहे हैं, बहुत हम जो है आजिज आ चुके हैं, बहुत मजबूर हो चुके हैं, आप एक हुक्म दीजिए हम क्या करेंगे, इसका बदला इनसे ले लेंगे, ये जालिम जो है हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में कई मरतबा सहाबा से फरमाया सहाबा सबर करो, यही हुक्म था अल्लाह के नबी का। और यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया आज हमें जो है यही हुक्म है कि हम जो है अपनी नमाजों का अहतमाम करें, अपनी जकात का अहतमाम करें और जो मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं उसके ऊपर हम सबर करें, यही अल्लाह के तरफ से हमें हुक्म मिला है। अभी जो है किताल का, जंग का अभी हुक्म नहीं मिला है, जब हुक्म मिलेगा अल्लाह के तरफ से उस वक्त जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है मक्की जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो बात पता चलेगी। लेकिन कुछ लोग जो है दो तीन गजवात को लेकर, दो तीन जंगों को लेकर जो ये जो आज जहर निकाल रहे हैं, प्रोपगंडा कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तमाम जो है इनको मौका कौन दे रहे हैं, ये बात जो है समझने की है। हम खुद लोग जो है और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उलमा भी हैं और वो खुद जो है टीवी के डिबेट पर बैठकर उनसे जो है बहस व मुबाहसा करते हैं, हालांकि सबको मालूम है कितने भी दलाइल दो लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो लोग नहीं मानने वाले ही नहीं। अभी तीन चार दिन पहले एक क्लिप छोटी सी मैंने देखा कि जन्नत के बारे में बात हो रही है, एक बड़े आलिम साहब बैठे हुए हैं टीवी के डिबेट पर, एक एंकर जो है औरत है वो बार बार सवाल कर रही है कि जन्नती को हदीस कुरान के मुताबिक एक मर्द को 70 हूरें अता की जाएंगी, एक दी जाएंगी, लेकिन एक जन्नती औरत को कितने मर्द दिए जाएंगे। तो मौलवी साहब जो है दलाइल दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई औरत जो है दुनिया के अंदर जिस शौहर के मातहत थी उसी शौहर के निकाह में रहेगी और औरत को उस मर्द को जितने हूरें उसको दी जाएंगी जन्नत में उन तमाम हूरों की वो औरत सरदार रहेगी। लेकिन वो आंकर मानने की बिल्कुल जो है मानने के लिए तैयार नहीं, उसका इसी बात पर वो हट धर्मी कर रही है, जिद कर रही है कि ये क्यों इस तरह क्यों, मर्दों के लिए अलग औरतों के लिए अलग। तो ये जो है ये जो लोग जो है मानकर भी नहीं मानने की जो बहाने करते हैं उनसे बात करके भी फायदा नहीं है। एक जो है हिकायत लिखी हुई है किताबों के अंदर, एक गधे में और एक घोड़े में बहस हो गई जंगल में। घोड़ा कह रहा है कि भाई कौवा जो है वो काला होता है, गधा कह रहा है ना सफेद होता है। दोनों में झगड़ा हो गया, बहस चलती रही चलती रही। अब जंगल का बादशाह कौन है? शेर है। शेर के पास लेकर चले गए फैसला। अब गधा कह रहा है कि नहीं, किसी भी हाल में कौवा जो है सफेद है।
घोड़ा कह रहा है कि बादशाह सलामत देखिए आपके दरबार में आकर भी गधा जो है हठधर्मी कर रहा है। तो घोड़े ने कहा कि बादशाह सलामत आपको भी मालूम है कि कौवा जो है काला होता है। तो शेर ने जो है फैसला सुनाया, क्या फैसला सुनाया कि भाई पूरे जंगल के जानवर मिलकर घोड़े के सर पर 10 जूते मारो। किसके सर पे? घोड़े के जूते पे 10 जूते मारो। घोड़ा परेशान, घोड़ा जो है बादशाह से पूछ रहा है कि बादशाह ये क्या है, मैं हक पर हूँ, हक पर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं और सजा मुझे दी जा रही है, समझ में नहीं आई बात। तो उस वक्त जो है शेर बादशाह कह रहा है कि अरे सामने वाले के बारे में तुझे मालूम है कि वो गधा है, मानने वाला नहीं है, तो फिर क्यों उससे बहस कर रहा है। तो जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं उनसे बात करके भी बेकार। तो आज इस जिहाद को लेकर बहुत सारे लोग जो है इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हालांकि सबको भी मालूम है इस्लाम क्या है, जिहाद क्या है। जिहाद एक अमल है और वो अमल कब किया जाएगा उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ मौके आएंगे उन मौके के ऊपर इस्लाम जो है जिहाद किया जाएगा। और खुसूसन हमारा ये मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, तो इस मुल्क में जिहाद के ऊपर हम अमल नहीं करेंगे। क्यों? कानूनन कुछ मुल्की कानूने हैं, उसके ऊपर जो है हमको पाबंद रहना ज़रूरी है। और ये जिहाद कब होगा? जबकि उसके लिए इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी कानून हो, उस वक्त जिहाद अमल में आएगा। आज बहुत सारे जो है अरब ममालिक हैं और इस्लामी कानून चल रहा है लेकिन फिर भी जिहाद जो है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें शर्त हैं, कुछ मौाक़े ज़रूरी हैं। उन चीज़ों के पाए जाने पर, वो मौाक़े आने पर क्या होगा, जिहाद किया जाएगा। आज जो लोग जिहाद को लेकर लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और जो मुसलमान इसमें ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा मजहब ऐसा ही है जिसमें जिहाद का हुक्म दिया गया, लोगों को मारने का हुक्म दिया गया, अरे जिस जो इस्लाम अपने नौकरों का और अपने ग़ुलामों का ख्याल करने का हुक्म देता है, अपने ग़ुलामों के हुकूक अदा करने का हुक्म देता है, तो वो मजहब जो है किसी दूसरे आदमी को मारने की नाहक इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। समझने की ज़रूरत है इन बातों को।